जी हाँ, तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग जा रहे हैं नागालैंड। ओ माय गॉड गाइस, गाड़ी पूरा पलट गया। ये पूरा होटल जो आज खाली एक्सक्लूसिवली रॉक के लिए हम लोग ने बुक किया हुआ है। हमारे इंडिया पे पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है ना गाइस, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले समय पे ना गाइस, हमें सांस लेने के लिए भी हमारे साथ ऑक्सीजन लेके चलना पड़ेगा। ओ माय गॉड, वेरी डेंजरस। और नीचे मैंने देखो गाइस, एंड आई कांट बिलीव गाइस, सिक्किम में हम ये लड़की के साथ डेट कर रहे। बेबी कम ऑन, बेबी चेयर्स, बेबी चेहरा दिखा दो ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रॉकलामा ब्लॉग्स में। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज ये दिन के लिए मैं पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहा था। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग जा रहे हैं नागालैंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना रॉकी एंड अपना सारा वेपन्स जो है रेडी हो गया, बस लंच होने का ही अब देरी है गाइस। मैं कल ही दार्जिलिंग से घर आ गया था, बिकॉज मुझे ये एपिसोड शुरू करना था अपने घर से। अभी शाम के 3 बज चुके हैं गाइस, हम काफी ज्यादा लेट हो गए हैं, बिकॉज मैं रात को वीडियो एडिट कर रहा था, क्योंकि मैं ब्लॉग में थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों इंस्टाग्राम पे आ जाना, बिकॉज हमारा जो राइड है आई थिंक 28 को शुरू होने वाला है नागालैंड के लिए। बट मैं आज बता दूँ, हम जाएंगे आज सिलगुड़ी, और उसके बाद आज स्टे करेंगे आई थिंक, और उसके बाद कल हम जाएंगे सिक्किम, और सिक्किम से हम लोग का राइड शुरू होगा। और सिक्किम में बहुत ही सारे राइडर्स है गाइस, वहां पहुंच के हम बताएंगे आपको क्या सीन रहेगा। ठीक है, अभी ज्यादा देर नहीं करते गाइस, जल्दी जल्दी बात करते हैं। पहले जाते हैं अपने दुकान, और वहां पे बच्चा पार्टी लोग देखो हमें कैसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है कि साला कोई एलियन देख लिया। हाँ ए बब्बा, ए ससुरा के नाती, बल्ले बल्ले। हेलो गाइस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई होप कि क्वालिटी सब मस्त आ रहा होगा, क्योंकि काफी दिनों बाद मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अभी मैं बता दूं गाइस, ये जो बैग है ना कम से कम 100 किलो का है, और भाई है 50 किलो, इसको बहुत ही भारी पड़ने वाला है। यहाँ से बस सिलगुड़ी तक ही थोड़ा सा दुख हम लोगों को उठाना पड़ेगा, उसके बाद तो थोड़ा सा हम लोगों को एडजस्ट थोड़ा सा फ्री होगा हम लोग, क्योंकि हमें कोई आ रहे उधर से पिकअप करने के लिए। बाय बाय छोटे मियाँ, लेट्स गो बॉयज। हमारे गाँव का रास्ता देखो ना, उफ मेरे को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, ये बैग ना मेरे आंखों के सामने आ गया, बहुत ही तकलीफ हो रहा है गाइस। आहा, चलो कोई नहीं, इतना दुख तो हम सही सकते हैं यार, राइडर है, इतने जल्दी हार नहीं मानेगा, क्या बोलते हो? हेलो गाइस, मैं अपने शॉप पे आ चुका हूँ। हमारे मिलिए मम्मी और पापा से, मोमो बना रही है मम्मी जी। नमस्कार, हम जा रहे हैं नागालैंड। आज हम जाएंगे सिलगुड़ी, सिलगुड़ी से सिक्किम, सिक्किम से नागालैंड का सफर शुरू होता है। ये ऑलमोस्ट 15 डेज का सफर होने वाला है। ऐसे क्या देख रहे हो? आज मत जाओ बोला ना हमने। अरे कुछ नहीं होगा, सैटरडे ही तो है आज। मम्मी जी एक्चुअली मेरे को मत जाने के लिए बोल रहा था, आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे को निकलना अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी हम निकल रहे। जो होगा देख लेंगे माता जी, आपका आशीर्वाद बस हमेशा बनाए रखे हमारे सर पर, सब कुछ अच्छा होगा। लो पापा जी ठीक है, अच्छा से जाना। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। लो हमारे खाने पे है आलू मूली का सब्जी एंड राइस एंड डल्ली गुरसनी एंड हमारा मोमो। हमारे दुकान का मोमो इतना टेस्टी है ना गाइस, जगहों पे जितने भी सारे हैं, ये रामगांव में फूड विलेज के आगे हमारा दुकान है, प्लीज आइएगा एंड मोमो ट्राई कीजिएगा। एक बार आओगे तो बार बार आओगे। गाइस ये हमारे जयगांव के सल्लू भाई है, एज यू कैन सी गाइस, देख सकते हैं। और ये हमारे नाना पटेकर। ओह भाई ए गाइस, नहीं थैंक यू, थैंक यू ब्रो, गुड नाइट। नहीं मुझे नहीं गाना, ये बेसुरा लोगों के साथ मुझे नहीं रहना गाइस, देखो जबरदस्ती किया जा रहा है। नहीं नहीं कहने के तो हां यार प्लीज, हां यार, ओए मत का, ओए छोड़ दे भाई, ओए मैं, अरे लेट हो रहा है भाई, मेरे को सिलगुड़ी पहुंचना है। एक गाना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अरे सिलगुड़ी पहुंचना ना, हट। अभी टाइम देख सकते हैं शाम के 4 बज गए, आज सिलगुड़ी पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगा गाइस। ओ मोटी हाथी, ये हमारे मोटी बहन को देखो भाई, कहाँ जा रही है? घर। चलो हम जा रहे हैं नागालैंड, नागालैंड। हाँ बाय बाय। हमारे गांव का ये रास्ता ना मेरे को काफी अच्छा लगता है, एक सुंदर वन की तरह दिखता है गाइस। देखो इधर सूरज चचा और चारों तरफ हरियाली देख सकते हैं। अब तो हम न्यू प्लेस आपको दिखाएंगे गाइस, बहुत ही मजा आएगा। जब से मैंने नेपाल टूर किया, उसके बाद ये लद्दाख किया था, उसी में मेरा बीच में लद्दाख कैंसिल हो गया, फिर भी मैंने इतना लंबा टूर किया ना, वो भी नॉन स्टॉप, तो उसके बाद ना मेरे को छोटा मोटा राइड अच्छा नहीं लगता है, मेरे को अच्छा लगता है एकदम लॉन्ग, जैसे कि फाइनली आज नागालैंड राइड। गाइस फिर से निकल गए हैं जिंदगी के खोज में,
एंड जब भी मैं ऐसे ट्रेवल पे निकलता हूँ ना, जो खुशी मिलती है ना, नेक्स्ट लेवल मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और आप लोग को एक चीज बता दूं, अगर जिंदगी में ना गाइस आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या आप अलोन फील कर रहे हो ना, आपके पास अगर बाइक है ना, तो एक दोस्त को पकड़ो और निकल जाओ घूमने के लिए। और वो जो खुशी मिलती है ना आपको, मतलब आप खुद वो महसूस करोगे। All right guys, अभी छोटा सा ब्रेक तेलीपाड़ा में, यहाँ पे बाइक, यहाँ पे चाय पियेंगे। रास्तों पे इतना ज्यादा धूल था ना, सारा का सारा आँख में चला गया दोस्तों। मेरा भी भैया बहुत गया आँख में। हाँ तो फिर वाइजर लगा ले। वाइजर ही नहीं है भैया। मोरे 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 प्रॉफिट गर्नु हुन सक्छ अनलाइन गेम खेलेर। मोस्ट बेट एउटा राम्रो बुकमेकर एप हो, यसमा हजुरले ना घबराइकन ट्रस्ट गर्न सक्छ। मिलियन्स मान्छेले यो मोस्ट बेटमा डेली क्याश प्राइजहरू जित्छ, अनि तपाईँले प्रेडिक्ट गरेर सबै स्पोर्टमा बेट लगाउन सक्छ, लाइक फुटबल, क्रिकेट, कबड्डी, अझै धेरै गेम्सहरू। तपाईँले क्याश प्राइज जित्नु सक्नुहुन्छ मोस्ट बेटको वेबसाइट लाइव स्ट्रीम हेरेर। मोस्ट बेट मा धेरै गेम्सहरू छ, लाइक अवेटर, अन्डर बाहर, क्रेस एक्स, जेड एक्स, पोकर, स्लट, लाइव कसिनो, अझै धेरै गेम्स। तपाईले यो गेम्सहरू खेलेर रियल क्याश प्राइज जित्नु सक्छ। अनि मोस्ट बेट मा इन्स्टेन्ट डिपोजिट हुन्छ विथ ई सेवा अनलाइन पेमेन्ट मेथड खाल्ती, अनि तपाईले आफ्नो विनिङ लाई विथड्र गर्न सक्छ, अनि कन्भिनियन्ट वे मा, त्यो पनि बिना ढिलो गरीमा, विदाउट कमिसन एन्ड नो डिले मा। अनि तपाईले 24/7 सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ। सो हजुरले मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने वेलकम बोनस अन फर्स्ट डिपोजिट मा पाउनुहुन्छ, एन्ड फ्री स्पिन इमिडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। सो अहिले जानुहोस् मेरो कमेन्ट पिन, अनि डिस्क्रिप्सन मा मोस्ट बेट को लिंक छ, रजिस्टर गर्नुहोस्, गएर ढेर सारा गेम खेलेर पैसा कमाउनुहोस्। What the fuck guys, यहाँ पे ना गाड़ी पलट गया, जंगल के अंदर है। Oh my god guys, गाड़ी पूरा पलट गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पैसेंजर्स हो रहे थे वहाँ था? है ना? अच्छा ड्राइवर मत थे? अच्छा पैसेंजर्स नहीं था गाइस, ओनली ड्राइवर था जो कि बच गया है। गाड़ी देखो किस तरह से पलट गया है। तो इसीलिए गाइस कोई भी रोडों पे बाइक वगैरह या तो गाड़ी चलाते थोड़ा ध्यान से देख के चलाना, अच्छा हुआ कि आदमी ठीक है। चलो भाई लोग निकलते, ओके। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलगुड़ी, कल रात को हम सिलगुड़ी आ गए थे एंड फाइनली अभी हम गाड़ी पे है, अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्किम। एंड हमें लेने के लिए आ गए हैं हमारे सोनम जी। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आपका मुंबई का यात्रा कैसा रहा? बहुत बढ़िया, लेकिन आपसे मिलकर और भी खुशी हुई। हाँ। और भी दिन बढ़िया जा रहा है। एक बात बता दो सोनम जी, आप ना लौरे दिख रहे हो। वो है ना नेपाल का लौरे, हाँ, रैप करता है। Okay, same thank you. और मैं बता दो गाइस, सिक्किम का जो राइड है एक्चुअली वो हमारे सोनम जी बताएंगे। ये बेसिकली एक प्रमोशनल राइड रहेगा और इस राइड को ऑर्गेनाइज किया है डर्टी एंजल्स मोटरसाइकिल क्लब, और इसका मैं एक एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं ट्रेजरर हूँ। और हम लोग के एक प्रमोशनल राइड है और इसमें हम लोग का टाइप किया हुआ है सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट। एक्चुअली मैं बता दूं गाइस, जो कुछ दिन पहले सिक्किम में फ्लास फ्लड आया था, उसके कारण सिक्किम बहुत ही ज्यादा डिजास्टर जो हुआ है, तो उसी को लेकर हम ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने सिक्किम और अपने राइडर्स ग्रुप सभी सिक्किम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली। और साथ ही साथ हम लोग जितना भी यहाँ टूर ऑपरेटर्स है, हम लोग का जो ड्राइवर्स भैया और जो भाई लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करके हम लोग ये बताना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हम लोग जा रहे हैं बेसिकली आसाम और नागालैंड में। एक दो फेस्टिवल हो रहा है, एक आपको सुना होगा, एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है, उसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। उसका नाम है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में हो रहा है। Okay. वो अटेंड करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग उससे पहले नर्म जो नॉर्थ ईस्ट राइडर्स मीट बोलते हैं वो आसाम में हो रहा है शिवसागर में, तो वहां जाके हम लोग सिक्किम को प्रमोट करेंगे। Okay. और सबके दिल में यही है कि जो फ्लड आया था 4 अक्टूबर का, सबके मन में ये है कि अभी भी ना सिक्किम सेफ नहीं है, सो वी जस्ट वांट पीपल टू नो दैट सिक्किम इज सेफ टू ट्रैवल, सो विजिट सिक्किम, ये बोलना हम लोग चाहते हैं। एंड मैं खुश नसीब होगी गाइस ये राइड में मैं भी ज्वाइन हो पाया, एंड स्पेशली थैंक्स टू डर्टी एंजल्स राइडर जो कि सिक्किम में वन ऑफ द नंबर वन राइडर्स है। हम लोग ओल्डेस्ट रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल क्लब है, एनजीओ। ओके, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस ये सीरीज के लिए। आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा, एंड तक बने रहे। हम लोग काफी सारे जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, नागालैंड हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है लाइफ में फर्स्ट मैं देखने वाला हूँ, एंड बहुत ही खुश हूँ।
नागालैंड पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बीच में हम जगह जगह होकर लाइक आसाम गुवाहाटी ये सब होकर जाएंगे, तो हम लोग जगह जगह स्टे करके एक्सप्लोर करेंगे। एंड आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना, हम आपको वहाँ पे अपडेट देते रहेंगे। अभी चलते हैं सीधा सिक्किम और वहाँ जाके वहाँ का माहौल कुछ बनाते हैं गाइस। अभी तो देखो पूरा धूप निकल आया है, गर्मी हो रखा है भाई। ओके गाइस, अभी एक स्टॉप पे रुके हुए हैं जस्ट चाय पीने के लिए। और मैं बता दूं गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे रॉक भाई तो बाइक से निकले थे घर से, अभी बाइक नहीं है, अब तो गड्डी पे है। मैं बता दूं गाइस, अपना जो बाइक है मैंने सिलगुड़ी पे दे दिया हूँ सर्विसिंग के लिए, बिकॉज अपना जो रॉकी है ना लाइक चलने के लिए उसके पास क्या ना कितनी फेफड़ा सब खराब हो चुका है, तो उसको बनाने के लिए दिया हूँ। मुझे भी दुख है कि अपने रॉकी के साथ मैं नागालैंड नहीं जा रहा हूँ, बट क्या करे गाइस, उसका हालत ही बहुत खराब है। तो बनने के बाद हम लंबा टूर करेंगे अपने रॉकी पर। अभी तो अपने भैया के उधर जाएंगे और उधर तो बहुत सारे बाइक है, कोई ना कोई हम चला ही लेंगे, नहीं तो अगर गड्डी पे ही गड्डी चलाएंगे हम। गाइस, अभी मेरे आंखों के सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो बिल्डिंग के ना फोर्थ फ्लोर तक वो पानी गया था। आप सोचो आप कैसा तूफान आया होगा, बट अभी ऐसा नहीं है गाइस, सारा रास्ता क्लियर हो चुका है, रास्ता बन रहा है। लाइक जितने भी सारे टूरिस्ट है, अभी रास्ता बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही खूबसूरत पहली की तरह ही है, तो हम लोग मिल के इसको और अच्छा बना सकते हैं। जितने भी सारे टूरिस्ट देख रहे हैं, प्लीज सिक्किम आइए घूमने के लिए, एकदम सेफ है आप लोग के लिए। ओके ओके गाइस, हम लोग गैंगटॉक पहुंच चुके हैं। ये होटल है गाइस, गैंगटॉक हेरिटेज है, एक मॉनेस्ट्री की तरह लग रहा है। ये पूरा होटल जो है आज खाली एक्सक्लूसिवली रॉक के लिए हम लोग ने बुक किया हुआ है। जस्ट किडिंग गाइस, ये सारा प्रॉपर्टी मेरा ही है। होटल तो काफी बढ़िया है दोस्तों, अभी हमारा गरम चाय आ चुका है। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा मीटिंग है, आगे निकलना पड़ेगा। आई थिंक आज हम लोग का स्टे यहीं पे होने वाला है। ओके गाइस, हम लोग मीटिंग पॉइंट में पहुंच चुके हैं। ओके गाइस, ये होटल का नाम है रमाडा और हमको यहाँ पे वेलकम ड्रिंक्स और खदा पहना दिया गया। हम अभी थोड़ा सा बैठ रहे, लंबा ट्रेवल के बाद ना मेरा बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है। अभी यहाँ पे आए हैं मीटिंग के लिए, अभी देखते हैं क्या होता है। हमारा जो राइड है परसों से हमारा शुरू होगा, कल हम लोग थोड़ा सा सिक्किम घूमेंगे। ओके नमस्ते सिक्किम। ओके गाइस, बैठ के थोड़ा बातें वादे करते हैं। Rock Lama. हो चुका है खत्म। अभी हम लोग ना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, राइड होगा परसों से शुरू, तो हमें यहाँ पे मिल चुका है अपना टी शर्ट। हेलो गाइस, हम मीटिंग से अपने होटल पहुंच चुके हैं, तो सोचा आपको थोड़ा सा रूम एक्सप्लोर कर देता हूं। एज यू कैन सी गाइस, सबसे पहले हमारे शाहरुख खान। हे किरण, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हमारा लगेज यहां पे देख सकते हैं। एंड होटल का जो नाम है गाइस कुछ इस तरह का, यांग थंग हेरिटेज होटल है। और ये हमारा रूम है, दो बेड है, एक बेड में भाई एक बेड में मैं सोऊंगा। तो हमें जहां तक लगता है गाइस, ये जो राइड है काफी ज्यादा मजे आने वाला है एंड ये यादगार होने वाला है। एंड स्पेशली बता दूं तो गाइस, मैं सिक्किम से नहीं हूँ ना, बट मुझे ना सिक्किम बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड मैं खुश हूँ कि ये चैरिटी जो राइड है इसमें मैं भी हूँ एंड मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ आप है, हमारे रॉकलाम फैमिली, तो सपोर्ट देना। ओके, ये वीडियो को ढेर सारे लोगों तक शेयर करना, स्पेशली सिक्किम को गाइस हर एक जगह पहुँचा देना, लोगों को बताना है कि हमें कि सिक्किम बहुत ही सुंदर प्लेस है, ऐसे है नहीं है। हम ये वीडियो एंड करने वाले थे गाइस, बट यहाँ के हमारे भैया आए हैं। क्या होगा आज? हेलो, का कैंडल लाइट डिनर होगा आप लोग। हम दोनों का कैंडल लाइट डिनर होगा गाइस। बाप रे, बट फूटी किस्मत मेरी, मैंने सोचा था एक खूबसूरत कन्या के साथ हम कैंडल लाइट करेंगे, बट हम खुश है कि हम अपने भाई के साथ कर रहे हैं। है ना। चलो फिर एमजी मार्क घूम के आते। ओके गाइस, मैं फ्रेश होने के लिए जाने वाला था, बट मैंने यहाँ पे वॉशरूम पे क्या देख लिया। ओ भाई, व्हाट इज दिस गाइस, यहाँ पे तो बाथ टब ही है भाई। और ये क्या है, फैन है बेटा की? ओ माय गॉड, कितना गर्म है। यहाँ पे गीजर भी है। अभी तो नहीं नहाएंगे क्योंकि मैं सुबह ही नहाया था, बार बार नहाने से ना बीमार होता है, तो हम कल सुबह बाथटब पे जिंदगी में पहली बार कल देखेंगे, नहाएंगे ना भाई? यस, साथ में नहाएंगे मेरे भाई।
बॉडी देख रहे मेरे भाई, ये देख बॉडी, ये देखो भाई मेरा बॉडी देखना चाहोगे? नहीं देखूंगा। ये बात बोल के तूने अपनी औकात निकाल दी। मोए मोए। हम लोग पहुंच गए हैं एमजी मार्क में, अभी घूम रहे थोड़ा सा, ठीक है। एंड मुझे आज भी पता है ये जो जगह है, यहाँ पे मैंने बैठ के वो किया था डांस का चा बदम, वो साइड में मैंने किया था ओपन कंडम स्टाइल। बहुत सारे यादें जो है एमजी मार्क में जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम घूमने आ रहे हैं। जैसे दार्जिलिंग कुछ दिन पहले गया था, वहाँ का चौरास्ता फेमस है ना, तो गैंगटॉक का भी ये एमजी मार्क फेमस है, बिकॉज यहाँ पे ना चलने के लिए टूरिस्ट एरिया है और हमारे बापूजी भी है यहाँ पे। रियली बहुत ही मजा आ रहा है, चलिए थोड़ा सा घूम के यहाँ से निकलते है कैंडल लाइट डिनर के लिए। सब जन यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे गाइस, काफी अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे एक भाई मिले हैं जिसका आप हमें फोटो खींचना है। लगा फोटो अच्छा है ना? अच्छा। चलो हमारे वीडियो पे आई कर दो ना। I am your biggest fan brother. ओके गाइस, वापस फिर हम होटल आ चुके हैं। अभी हम और भाई करेंगे कैंडल नाइट डिनर। एंड यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं, कैंडल नाइट डिनर का लाइक बहुत ही बढ़िया। ये जो है लाइफ में फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस करने वाला हूँ अभी, है कैंडल नाइट डिनर। बाप रे बाप गाइस, ये तो पिराना मछली की तरह देख रहा है। लुक 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 गाइस, ओ माय गॉड, वेरी डेंजरस। और नीचे मैंने देखो गाइस कितना लंबा है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे ड्रिंक्स आ चुका है। ड्रिंक्स में है हमारे वर्जिन मोजिटो हमारे भाई के लिए, और हम ले रहे हैं थोड़ा सा लाइक ये ब्रिजर, क्योंकि आज कैंडल नाइट डिनर है अपने बेबी के साथ, तो थोड़ा सा ये ड्रिंक्स तो होना चाहिए ना गाइस। देखो ओके गाइस, मैंने खाना का ऑर्डर दे दिया हूँ। एंड जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं कैंडल नाइट डिनर करने जा रहा हूँ। टू मच एक्साइटेड गाइस। अभी यहाँ पे कैंडल देख सकते हैं और साथ में ड्रिंक्स है। एंड आई कांट बिलीव गाइस, सिक्किम में हम ये लड़की के साथ डेट कर रहे हैं। बेबी कम ऑन, बेबी चेयर्स, बेबी चेहरा दिखा दो ना मार्को। ये दिन भी देखना पड़ा भाई आज। ओके गाइस, हमारा डिनर लग चुका है, नूडल्स है और चिकन चिल्ली है। यहाँ पे कैंडल जल रहा है और यहाँ पे ड्रिंक्स है, और अपना बेबी खाओ बेबी।